बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत की मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। दूसरी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है कि 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा दिग्गजों को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, जिसमें सीएम योगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी गोरखपुर दौरे के बाद देवरिया पहुंचे, जहां वो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर हैं और वो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। और वहीं पांचवी बड़ी खबर है, गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी भीड़ की, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई, कई जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिली। प्रतापगढ़ में एक अधेड़ उम्र के शख्स को बाइक सवार लड़के को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। दरअसल जैसे ही अधेड़ उम्र के शख्स ने लड़के को थप्पड़ मारा तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने अधेड़ उम्र के शख्स की ही पिटाई कर डाली। तस्वीरें प्रतापगढ़ की, जहां पर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने एक युवक का कॉलर पकड़ रखा और ये शख्स बेहद गुस्से में दिख रहा है। वहीं बीच बीच में यह अधेड़ उम्र का शख्स युवक को थप्पड़ भी मार रहा है, जबकि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर ये पूरा वाकया देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक युवक की बाइक से अधेड़ उम्र के शख्स को हल्की टक्कर लग गई थी, जिसके बाद उसका पारा चढ़ गया और उसने बाइक सवार युवक की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। वही युवक को इस तरह से पिटता देख मौके पर मौजूद कई लोगों ने इसका विरोध किया और अधेड़ उम्र के शख्स को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे। बावजूद इसके अधेड़ उम्र का शख्स युवक को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारता रहा, जिससे बाजार में मौजूद लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा और फिर लोगों ने अधेड़ उम्र के शख्स पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। मामले को लड़ता हुआ देख अधेड़ उम्र का शख्स भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक भीड़ में मौजूद कई लोगों ने इसे पीट दिया। वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और लोग जमकर सोशल मीडिया पर पिटाई के इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। और जौनपुर में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी महाराजगंज सीएचसी का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बिजली गुल हो गई। काफी देर तक जब लाइट नहीं आई तो मंत्री जी को मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी से ही काम चलाना पड़ा। ये तो तस्वीरें देखिए और यहाँ क्या हुआ वो समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो दावा किया जाता है कि यूपी में कई जगह 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन जौनपुर में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी को ही इलेक्ट्रिसिटी कट का सामना करना पड़ गया, वो भी तब जब वो महाराजगंज सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे थे और बिजली के चमचमाते बल्ब के ठंडा पड़ जाने पर मोबाइल की फ्लैश लाइट का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने जिले में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई ब्लॉक और तहसीलों का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याओं को भी सुना और इसके बाद जब वो महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। इस दौरान काफी देर तक जब लाइट का इंतजार करने पर भी अंधेरा कायम रहा तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ही प्रभारी मंत्री को काम चलाना पड़ा। प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी के साथ इस दौरान राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। हालांकि प्रभारी मंत्री और सभी लोगों ने बिजली नहीं होने के बावजूद जन सुनवाई की, उनकी ये कोशिश भी तारीफ के काबिल है। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में परिवारों से बिछड़े बच्चों को मिलाने के लिए शुरू की गई मुहिम ऑपरेशन मुस्कान का असर दिख रहा है। इस ऑपरेशन के तहत 47 मासूमों को पुलिस ने उनकी मां से मिलवाया। नोएडा के सेक्टर 108 में स्थित कमिश्नर ऑफिस में ऑपरेशन मुस्कान के समापन के अवसर में बच्चों और अभियान की सफलता और पुलिस अधिकारियों को पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सम्मानित किया। जो अपने अपने नैसर्गिक पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में बह रही नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे ग्रामीण और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कटान मुसीबत का सबब बन गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से हालात अब बिगड़ रहे हैं। अलग अलग जगह से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। सीतापुर में सरयू नदी की कटान की वजह से कई 20,000 ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में है। शारदा और सरयू नदी हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। सिद्धार्थनगर के हथवड़ताल में नदियों के कटान से ग्रामीण परेशान हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर श्रावस्ती में भी राप्ती के घटते जलस्तर के साथ ही नदी की धारा ने अपने किनारों पर कटान तेज कर दिया है। इसके चलते जहां 100 मीटर तटबंध कटकर नदी में समाहित हो गया, वहीं कई बीघा कृषि भूमि भी फसल सहित कटकर नदी की धारा में विलीन हो गई। तीन अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश मुसीबत का सबब बन रही है, क्योंकि कटान होने की वजह से कई जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। और अब बस्ती से अगली खबर, जहां नहर कट जाने से करीब सैकड़ों बीघा फसल उसमें डूब गई। नहर का पानी भीटी गांव के कई घरों में घुसा। एसडीएम के आदेश पर भी अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कटान की वजह से कई सैकड़ों बीघा फसल बताई जा रही है जो इस पानी में डूब गई, यानी मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। शिकायत ये है ग्रामीणों की कि एसडीएम के आदेश के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। गांव में जाया नहीं जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और लोगों की जो हालत है उसका निरीक्षण नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिस वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। नेशनल हाईवे सिरो बगड़ के पास सुबह 6 बजे से बंद है, जिस वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद इन दिनों उत्तराखंड में काफी संख्या में सैलानी जा रहे हैं, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 6 बजे से जाम में फंसे हुए हैं और अब लगभग खुलने की तैयारी हो गई। एक साइड तो उन्होंने क्रॉस कर दिया है, सुबह से जेसीबी लगाई हुई है इन्होंने, और यहाँ हमारे साथ जो पुलिस वाले ने बड़े कॉपरेट कर रहे हैं, हमने साथ में पूछते हैं कोई दिक्कत है तो बता देना। अब लगभग खुल गया तो बस उसी तैयारी में कि हमारी साइड का जाम खुल जाए। सुबह 4 घंटे से हम जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। मसूरी में कैमलबैक रोड स्थित हवाघर पर भूस्खलन के बाद खतरा मंडरा रहा है। हवाघर का पुश्ता भूस्खलन होने के बाद ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हो सकता है। नगर पालिका ने पुश्ते का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया है। बड़कोट में सारी रात हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बंद हो गया है। असल में सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे यमुनोत्री हाईवे NH 94 पर खरादी के पास 2 जगह और पालीगाड़ से मार्ग को बंद कर दिया गया। फिलहाल जेसीबी से सड़क को खोलने का काम जारी है। बातरामपुर की जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, तेज रफ्तार डीसीएम ने इको कार में टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है।
मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अजीतपुर बाईपास की घटना है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने एक इको कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो दो गंभीर हालत में घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उधर राहुल गांधी के आम वाले ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। उनको यूपी के आम पसंद ना कहने की बात पर सीएम योगी ने उन पर पलटवार किया है। ट्वीट कर मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है कि आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है और इन विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। उन्होंने लिखा है कि आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है, आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। राहुल गांधी के आम वाले ट्वीट पर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने अनौपचारिक तौर पर यूपी का आम पसंद नहीं होने की बात कही थी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, जिस पे अब सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि यूपी का आम ज्यादा पसंद नहीं, आंध्र प्रदेश का आम उन्हें ज्यादा पसंद है, यूपी का लंगड़ा आम फिर भी चलेगा, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। इस पर सीएम योगी ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा है कि आपकी सोच ही विभाजनकारी है, आप पर कुसंस्कार हावी है, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राहुल गांधी ने यूपी के आम को लेकर अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि उन्हें यूपी से ज्यादा आंध्र प्रदेश के आम पसंद हैं, जिस पर अब सियासत गर्मा चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और आम के सियासी बवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी बयान सामने आया है। यूपी ने राहुल गांधी को बहुत कुछ दिया, ये स्वतंत्र देव सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यूपी के आम को तवज्जो देनी चाहिए। देखिए अब इस पूरे मामले पर लगातार जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। विपक्ष जहां सरकार की तरफ से लगातार अब हमला बोला जा रहा है, कहीं तो वह आम खाए, लेकिन यूपी में उनको यूपी ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए यूपी के कर कण से उनको प्यार करना चाहिए, इसलिए उनको करना चाहिए। आम कहीं के खाए लेकिन यहाँ के आम को भी पसंद उनको करना चाहिए। तो देखिए आम को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है पूरी तरीके से। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी पर निशाना, उन्होंने कहा कि राहुल लगातार यूपी के प्रति दुराग्रह रखते हैं, उन्हें यूपी को बदनाम करना आता है, उन्हें स्वाद इसलिए पसंद नहीं है, अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट से हार मिली इसलिए स्वाद पसंद नहीं। देखिए ये नहीं कहा कि केरल के आम पसंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल ठीक उत्तर है उनका। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आम उनको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश भी उनको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश से वो अपनी पारंपरिक सीट लोकसभा की अमेठी हारे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति उनका दुराग्रह है वो कई बार प्रकट हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीत लिया। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। मीराबाई चानू की जीत पर हर तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शानदार जीत के लिए चानू को बधाई दी। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चानू पर हर भारतीय को गर्व है। 26 साल की मीराबाई चानू मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं। 2021 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
तो देखिए मीराबाई चानू ने बेहतरीन शुरुआत ओलंपिक गेम्स की है, आज मेडल अपने नाम करके, और किस तरीके से अब उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि इससे अच्छी शुरुआत ओलंपिक गेम्स की नहीं हो सकती थी। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है शानदार जीत पर, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि हर भारतीय को चानू पर गर्व है। आपने आज हिस्ट्री क्रिएट की है, सबसे पहले आपके रिएक्शन क्या है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सालों से मैंने ये इसी के लिए ही मेहनत किए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ। भारतवर्ष के सभी चाहते जो है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज से सभी जो भी अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने आए हैं तो उनको भी और मेहनत करके सबको एक मेडल जीतेगी, और मैं सभी इंडिया की पीपल है उन्होंने मेरे लिए प्रे किया है, मुझे ही देखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ उनसे भी, थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग की प्यार की वजह से आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है, तो इसलिए मैं ये मिला है, तो मैं थैंक यू सो मच। मेरा ये साल बहुत कठिनाई भरा था, कोरोना के कारण कॉम्पिटिशन और प्रैक्टिस पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, तो क्या कहोगी आपकी ये रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी आपने सक्सेस जीता है, कैसा रहा आपका ये डेढ़ साल का? हाँ, काफ़ी मुश्किल हुई थी कि हम कोरोना की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो हमने थोड़ा टाइम ले लेते ट्रेनिंग के लिए, तो उसी में ही हमने पूरा फोकस किया था क्योंकि ये हमारे सामने रही थी ओलंपिक, तो इसलिए हमने काफ़ी फेस करना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हुई, फिर भी हमने मेहनत की। पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा कानपुर में उनके दो क्लाइंट के खातों में जाता था। कानपुर महानगर के बर्रा और कैंट में मौजूद बैंक में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के कहने पर इन दोनों ही खातों को सीज कर दिया गया है। इन खातों में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सील किए हैं। इनमें 2 खाते कानपुर के बताए जा रहे हैं और ये दोनों ही खाते महिलाओं के हैं। हालांकि ना तो बैंक और ना ही पुलिस अधिकारी ऐसी किसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के मामले में कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा के संपर्क में रहने वाली 2 महिलाओं के बैंक खातों को भी सीज किया गया है जो कानपुर से संपर्क रखती हैं। लेकिन बैंक के अधिकारी जो हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किन 2 खातों को सीज किया गया है। ये कहा गया है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर कैंट और बर्रा स्थित बैंकों की शाखाओं में ये खाते सीज किए गए हैं, और शहर में एक खाता पंजाब नेशनल बैंक तो दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। दोनों ही खाते महिलाओं के बताए जा रहे हैं, और ये कहा गया है कि राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में आता था जो बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत भी बताए जा रहे हैं कि मिले हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच के निर्देश पर इन दोनों खातों को बैंक की शाखाओं में सीज कराया गया है, और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों का ट्रांजेक्शन इन दोनों खातों में किया गया है। लेकिन कानपुर के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं साधा है, और बैंक के अधिकारी भी इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। औरैया में एक चोर चोरी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला दिव्यापुर तिराहे का है, जहां पर खड़ी एक कार से चोर ने 2,25,000 रुपए से भरा हुआ बैग चोरी किया और फिर मौके से फरार हो गया। सुभाष श्याम कुमार और जयप्रकाश जिले में अमूल डेयरी के संचालक हैं, और दिव्यापुर चौराहे पर गाड़ी की बैटरी खरीदने वो दोनों पहुंचे थे, लेकिन जब ये दोनों दुकान पर गए तो इन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर रुपए रख दिए। वहीं इनके अंदर जाते ही चोर इनके गाड़ी के पास पहुंचा, जिसने मौका देखकर कार का दरवाजा खोला और फिर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। तस्वीरों में ये चोर साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे में अब पुलिस भी इस चोर की तलाश में जुट गई है।